하나님 됩니다. Subhanallah. हशर में काम ना आया कोई रहमत
शामियाना नहीं, खुशी के खयामत के लिए सन ऑफ द लास्ट डे ऑफ द वर्ल्ड खयामत सन वेरी नियर टू यू हाउ टू प्रोटेक्ट योर बॉडी योर ब्रेन योर हार्ट फ्रॉम द हीट ऑफ द सन. शामियाना नहीं, नो एनी शेड. शामियाना नहीं, नो एनी माफी. शामियाना नहीं, कुर्सी के कयामत के लिए काली कमली के सेवा चादर इतरत के सेवा. फ्लेवर मिल जाता है
पार्षदों एक मेडिकल था मुजीजा था, वो पत्थर पे पैर रखते थे तो पैर का निशान बनता था, निशान एक कदम। इसी के साथ साथ एक बात और जोड़ दूं, वो जब कीचड़ में या भीगी हुई मिट्टी में पैर फंस जाए, सरकार ने वहां पैर रखते थे तो निशान नहीं पड़ता। कंपेयर जहां हमारा निशान पड़ता वहां नबी का नहीं पड़ता, और जहां हमारा निशान पड़ता ही नहीं वहीं नबी का पड़ता। ऐसा क्यों? ताकि हर बेवकूफ की भी समझ में आ जाए कि नबी हमारी तरह नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। जहां उम्मती अपना निशान छोड़ता वहां नबी का निशान नहीं है, नो एनी साइन, और जहां नबी का निशान पड़ता है वहां उम्मती का नहीं पड़ता। अब तो समझ जाओ कि जब तुम कदम की तरह ना हो सके तो सरापा कर्म की तरह ना। और दूसरी ये वजह हो सकती है कि चूंकि सरकार का पीछा काफिर कर रहा था, फाइंड आउट वेयर इज ही व्हेन यू मीट हिम किल हिम, एवरीबॉडी इंटरेस्टेड, मक्का छोड़ने ना पाए, सेफली जाने ना पाए, रास्ते में मर गए। इट वाज द प्लान। तो अब अगर रसूल पाक पत्थरों पे चलते और निशान पड़ता गया था तो ढूंढने में आसानी थी। वेरी गुड, व्हाट वाज द रूट ऑफ द प्रॉफिट टू लीव मक्का टू मदीना? द साइन ऑफ द स्टेप्स ढूंढने वालों की मदद करेगा। तो हुजूर ने कहा अबू बकर कंधे पे ले लो, मेरा पैर हवा में रहेगा। सिद्दीक अकबर जब शोल्डर पे ले लेंगे तो सरकार का पैर जो है हवा में रहेगा, और जब हवा में रहेगा तो काफिरों का इरादा भी हवा हो जाएगा। अब चार निशान चाहिए थे, दो सिद्दीक अकबर के, दो रसूल पाक के, और मिल रहा है दो ही निशान। तो समझ गए नहीं, इधर नहीं गए, जिधर गए उधर ही वो बोल रहे नहीं। फिर भी जाते जाते वो गारे हरा के पास पहुंची। अगर वो जरा सा झुक करके झांक लेते तो दोनों हजरात दिख जाते। किसी ने कहा कहीं इसमें तो नहीं है, गारे तो नीचे नहीं था। तो दूसरा बोला नहीं नहीं, देखो मकड़ी ने जाला इस पे टांगा है, इसमें जो जाएगा मकड़ी का जाल जो है टूट जाए, और उस जाल पर एक कबूतरी का अंडा भी तो लगा हुआ है वो भी टूट जाता, लेकिन जाल सलामत है, अंडा सेफ है, कोई अंडा क्यों नहीं गया? यानी परिंदों को भी पता है इसमें कौन है। अल्लाह ताला ने किसी बर्ड को ब्रेन और विजडम नहीं दिया, मगर दिल सबको दिया। अब जो लोग रसूल की हिफाजत को अपना ईमान नहीं मानते वो कम से कम कबूतरी से ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले हुआ क्या था? जैसे ही सिद्दीक अकबर और रसूल आलम मनोहार के सामने पहुंचे, बिल्कुल अननोन सिचुएशन है कि घर में क्या है नहीं मालूम। अभी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मैं एक प्रोग्राम में गया, जलसे में गया, तो मुरीद आया उनका हुजूर, मैंने एक मकान लिया, वो चल करके दुआ फरमा दीजिए, वही एक रात आराम कीजिए, रात में आपका जलसा नहीं। इससे पहले मेरे जलते करीब हम सभी जगहों से आए सैयद अली हुसैन अशरफी जी, हमारे सभी नाम
ইয়ের বিয়েও বসিল হিজবুল্লাহ নামকে পুরে ধরানি লাহোর সৈয়দ আবুল বরকাত সৈয়দ আবুল আসমা মুরিদ ও খলিফা উল্টো আল্লামা গোলাম আলী ও কাড়িমি মুরিদ ও খলিফা মুফতি আহমদ ইয়ার সাহেব কাসানি কে কাসিলা মুরিদ ও খলিফা আর আন্দাজা লাগে কি পীর সাহেব যে মুরিদো কা জবাব নেই খলিফা কা জবাব নেই তো আসল কা আলম কিয়া وہ فرما رہے تھے کہ مجھ کو دلی میں ایک مرید لے گئے اپنے نئے گھر میں مجھے رات پر سوتا سو جائیے فجر میں جب میں اٹھا تو میں نے مرید کو بلایا ادھر تو نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ اس گھر میں جنات بھرے ہیں سرکار معاف کیجیے آپ کو اسی لیے میں لے گیا تھا یا تو آپ بچائیں گے یا وہ بچائیں گے آپ بچ گئے تو گھر خالی ہو جائے گا آپ نہیں گئے تو عرس کروں گا مگر وہ صدیق اکبر تھے یا رسول اللہ خطا ہے بعد میں تو آپ نے پہلے بھائی تھا سبحان اللہ آئی میر First we are in winter, into cave, we don't know, maybe any harmful animal in the cave. So, I'm going to tell you, that the job of Siva to you, you will have to say, is to say, Siddhi. Subhanallah. Andar gaye, ghar ko saaf kiya, all kinds of rubbish, clean kiya, جتنے ہولس اس نے ان کا لنٹر جتنے ہول تھے اسے بند کیا کپڑے ختم ہو گئے ایک ہول بچ گیا تو پیر کوئی کاٹے تو ابو بکر کا پیر کاٹے میرے محبوب کا اور جب کلین ہو گیا تب اندر ہی اندر بچے بیٹھے بولے یا رسول اللہ آ جائیے غار کلین ہو گیا ہے صاف ہو گیا ہے آپ کے لائق ہو گیا پھر وہ دور کر سوچو ایک معمولی سے کار میں میرا نبی بغیر صدیق کے نہیں ہے توجہ کنسنٹریٹ یور مائنڈ اینڈ ٹرائی ٹو کیپ مائی ورڈز in the soft corner of your minds. میرا نبی بغیر صدیق کے ایک معمولی سے کھانا نہیں مل گیا جب صدیق رہے تب گئے جب ایک معمولی سے غار میں میرا نبی بغیر صدیق کے نہیں جاتا تو کسی مومن کے دل میں بغیر صدیق کے نبی جائے گا تو آپ چاہتے ہیں کہ نبی آپ کے آ جائے نبی مل جائے آپ کرنا پڑتے ہیں نبی کا آپ کی زبردست ڈیزائر ہے یا رسول اللہ میرے دل میں ہے نا سر What to do کیا کروں رسول پاک کو دل میں لانا ہے تو کیا کروں ایک کام کروں پہلے سے صدیق اکبر کو دل میں لاؤ جو ربی سے وہ صاف کریں جو حرام کاریوں کے دور ہیں اسے بند کریں جو بدعتیں ہیں نافرمانیاں ہیں اس روش کو نکالیں گے اور جب وہ کلیئر ہو جائے گا تیرا دل تو تجھے نہیں کہنا پڑے گا خود صدیق اکبر کہیں گے یا رسول اللہ دل صاف ہو گیا ہے یا ٹھیک ہو گیا اب آئیے اسی واقعے سے ایک اور عقیدہ بڑھتا ہوا نبی کریم نے چلتے چلتے اپنے کاندھے پر اپنے کو صدیق اکبر کے کاندھے پہ رکھا صدیق اکبر نے کس کو اٹھایا کوئی گنگ شور ڈالا بولی ابو بکر صدیق پاک ابو بکر کے کاندھے پہ کون ہے نبی اٹھانے والا کون ہے نبی
तब जिससे देखने जीते जी बारे नबूवत उठाया हो उसकी जिंदगी में किसकी हिम्मत है कि बारे खिलाफत उठाए। अमलीन आए पहुंच गए मदीने मगर मक्के में रहकर रसूल पाक को एक क्राइटेरिया मिल चुका था जो अल्लाह ने मिला सुभान अल्लाह जी सलातु यफ्तही लैला मिन अल मस्जिद अल हराम इला अल मस्जिद अल अक्सा पाक है वो जात जो ले के रखो था अपने मदीने बंदे तो सब इसको खुदा ने कहा ये मेरा अपना बंदा हमने कहा तू मेरा रब है ऐसा करने वाले तो एक बिलियन है लेकिन रब ने किसी को कहा ये मेरा बंदा है ये तो मदीने वाला है और जाकर के वहां पे मैं वो बात करने जा रहा हूं जो अनडिस्प्यूटेड है एडमिटेड फैक्ट है यूनिवर्सल ट्रूथ है एक्सेप्टेड है हर सेक्ट मानता है कि वहां रसूल पाक ने नबियों को नवाजा है अंबिया कराम जमात और रसूल पाक ने माना अब जरा सिचुएशन अचानक जिंदगी का अचानक बुरा आया अचानक नबी को उठाया गया अचानक बुरा को बिठाया गया पहले से कोई इंफॉर्मेशन नहीं ये तो अल्लाह की हिकमत है नबी तुम सो जाओ जब मैं बुलाऊं तो तुम सोते हुए भी लो ताकि दुनिया समझ जाए तलब तुम्हें नहीं है तालीम कोई और है अल्लाह ताला हर जगह अपने नबी को स्पेशल बना के बताता है तू अपने जैसा समझते मूसा तुम बोलो तलब करते जानते भी रहो मांगते भी रहो तलब करते रहो मेरे हबीब तुम सोच तलब की निस्बत ही तुम्हारी तरफ तालीब के रास परवर निगाह है और तुम उसके मजलूम हो आगे की बात आप यहां जमा हुए हैं अचानक नहीं वेरी इन्फॉर्म्ड हैं आप व्हाट्सएप से भी बात नहीं मीडिया यूज किया पोस्टर भी निकाला पोस्ट भी किया और ताकि जगह बताए और टाइम बताए और नाम बताए तब इतने कोई इंफॉर्मेशन न होती मैं अकेला आता तो और मिलता तो जब अकेले नबी मक्के से चले तो अंबिया को कैसे पता नो इंफॉर्मेशन नो पोस्टर नो मीडिया और कोई फरिश्ता जा जाके खबर में बता भी नहीं रहा है ये सारे नबियों को कैसे पता चला अक्सर चलो मुस्तफा आ रहे हैं अक्सर चलो मुस्तफा अब तो नबियों के लिए बुलाए तो मान दो और जो उसी बात सोच ली सब नमाज पढ़ने आए रसूल बाद इमामत कर रहे हैं और सारे अंबिया जमात ने इफ्तिदा करना है तो ईसा मसीह भी है जमात में है इसलिए कि अल्लाह और रसूल में मेरा तेरा नहीं है तभी तो इमाम इश्क मोहब्बत ने कहा मैं तो मालिक ही तो हूँ बाकी तो मालिक के कभी यानी महबूब को मोहिब में नहीं मेरा तेरा तो ईसा अलैहि सलाम अभी जिंदा है अभी रूह कब्ज नहीं हुई है आसमान में उठा लिए गए वो एक जरूरत थी नबी के पीछे नमाज पढ़ना था ये दूसरी जरूरत थी
बताऊं ईसा मसीह ने जी के जी बगैर इंतकाल किए बगैर मौत का मजा चखे नबी को देखा, तो जो नबी को देखता है वो सहाबी होता। तो ईसा मसीह अल्लाह के रसूल भी है, मुस्तफा के सहाबी भी। और जब ईसा मसीह आएंगे तो वो आएगा जिसने जिंदगी में नबी को देखा। जब ईसा मसीह खरीब कयामत आएंगे, उससे पहले आएंगे, तो वो आया है जिसने जीते जी माथे की आंखों से नबी को देखा है, जैसे सिद्दीका अकबर और फारूक आजम ने देखा, देखते ही सहाबी हो गए। तो हजरत ईसा मसीह अलैहिस्सलाम नबी को देखा है, अल्लाह के रसूल है और नबी के सहाबी है, और जो सहाबी को देखे वो ताबई होता है। ईसा मसीह भी आएंगे, इमाम महदी भी साथ होंगे, इमाम महदी ताबई भी होंगे, ईसा मसीह के सहाबी भी होंगे। अब जो भी ईसा मसीह को देखेगा उनकी निस्बत से सहाबी बन गया और शरीयत के मुस्तफा में वो ताबई बन गए। तो जैसे जमाते सहाबा का दौर था, ताबईन थे, तबे ताबईन थे, इंशाअल्लाह जब इमाम महदी आएंगे तो ईसा के सहाबा भी होंगे, ताबईन भी होंगे, तबे ताबईन भी होंगे। बात यह हमें दूसरी करना चाहता था, ये निकल आई जरा सा गुड न्यूज चीज आपको दे दिया कि मुर्दों पे नमाज है। हमने तो हद तक शरीयत समझा है, मुर्दा हो जावे तो फिर जाग के डाल दो मस्जिद में, न लेकर नमाज नहीं पढ़ेगा। मुर्दों पे नमाज है, आपकी क्या नमाज है? मुर्दों पे नमाज है, मुर्दे नमाज पढ़ते हैं और अंबिया के नाम पढ़ने आ गए, आदम आए, मूसा आए, इब्राहिम आए, सब नमाज पढ़ने आए, और मुर्दों पे नमाज है नहीं और नमाज पढ़ने के लिए आए, तो मेरा नबी यही तो डायरेक्शन दे रहा है, इन नबियों को मुर्दा मत समझना, अपनी कब्रों में जिंदा है। अच्छा नमाज पढ़ हुई है मेराज में, नमाज पढ़ हुई है लामका में 50-40 आखिर इन द लास्ट 5 नमाज फर्ज कहां हो रही है? लामका में। आप और हमारी पोजीशन क्या है? आपकी मेरी पोजीशन ये है, हम नमाज पढ़ते हैं बाद में, पहले नमाज मिलती है तब पढ़ते हैं। हमारे बाप से मिले, माँ से मिले, पीरो मुर्शिद से मिले, उस्ताद गरामी से मिले, इमाम साहब से मिले, तो मिलती पहले पढ़ते बाद में। ये उम्मत किस क्लास में है? नमाज मिलती पहले है, पढ़ते बाद में। और मेरा नबी किस क्लास में है? मिलेगी बाद में, पढ़ा दिया पहले। मिलेगी लामका में, पढ़ा दिया मस्जिद अक्सा में। अरे अब तो मान जाओ नबी हमारी कर रही है। इससे पहले कि मैं दीदारे इलाही करूं, जाके किबरिया को देखूं वो मुझे बुला रहा है, जिब्रील लेने आए हैं, इससे पहले कि मैं अल्लाह की जात को देखूं, मैं दुनिया को यह बताना चाहता हूं कि सिर्फ मैं ही जिंदा नहीं हूं, अल्लाह का हर नबी अपनी कब्रों में जिंदा है। और जब अंबिया जिंदा है, अगर लूत जिंदा है, हजरत यहिया जिंदा है, हजरत जकरिया जिंदा है, हजरत ईसा जिंदा है, हजरत इस्माइल जिंदा है, अरे जब नमाज पीछे पढ़ने वाले जिंदा है तो इनका ईमान और आशीष रसूल की बोली में तो जिंदा है बंदा, जिंदा है बंदा, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने। ये रास्ते में अंबिया को जमा करना और फिर रसूल पाक को इमाम बनाना, इसके पीछे मसलत क्या है? यही है
कहीं कोई किसी नबी को अफजल समझे, कहीं कोई किसी नबी को अफजल समझे, कोई मूसा कलीम उल्ला को अफजल समझे, कोई सारू उल्ला को अफजल समझे, सबको हबीब के पीछे खाओ, सबको अल्लाह की पता चल जाए जो इमामुल अंबिया होता है वही अफजलुल अंबिया होता है। ये क्राइटेरिया सरकार को मक्के में मिल गया और जब आखिरी वक्त आया और सरकार ने जाहिरी तौर पर अपने बदन को माजे रंग बनाया, जाहिरी तौर पर बनाया, तो अब इमामत कौन करे? जमा के सहाबा इंतजार कर रही है कि नबी ने खलवत अख्तियार कर लिया है, इमामत कौन पढ़ाए? तो रसूल पाक ने अबू बकर सिद्दीक को इशारा किया कि तुम इमाम। रसूल पाक ने इशारा किया कि सिद्दीक अकबर को तुम इमामत करो, ताकि जिस तरह जमाते अंबिया की इमामत ने मेरा अफजलुल अंबिया होना साबित किया है, ऐसे ही जमाते सहाबा की इमामत में तुम्हें अफजलुल सहाबा का दर्जा होगा। पैदा हुआ इंग्लैंड में, जवान हुआ इंग्लैंड में, बुढ़ा हुआ इंग्लैंड में, मर गया इंग्लैंड, दिमाग ही में नहीं आना कि इंग्लैंड में दफन करो, ले जा रहे हैं अपने मुल्क आजाद कश्मीर से ताल्लुक था वहां जाना, हालांकि बरसक सब जगह बराबर है, लेकिन आप वहां घूमे गए हैं, आप मजबूर हैं, उसके बदन में जो खमीर है जिस मिट्टी से बना है वही जाएगा, खमीर उठा है, ये जो सोयल से बॉडी बनी है ये सोयल कहाँ की है, पहुंचेगी जब वो पहुंचेगी वहीं पे खाक जहां का खमीर था, खमीर खमीर बिगिनिंग स्टेज है, रियल सोयल वही जाए। अरे आज आगे मिट्टी थी, गया था हट करने, दुआ लेके गया था, अम्मा अब्बा बोले जा अल्लाह खैरियत से ले जाए, खैरियत से ले, अम्मा की दुआ खैरियत से लौटने की थी और वही मर गया। तो मिट्टी जन्नतुलमाला से थी वही जाना होगा, मिट्टी जो नबी से थी और जिन बदअकीदों की वहां से मिट्टी नहीं है उन्होंने अपना अलग बनाया। कभी घूमने जाना, ये हज उमरे में तो जाने नहीं देते, तो आप विजिटर वीजा लेके जाओ, वो लोग कहाँ है, पहुंची वहीं पे खाक जहां तक हमारा इंडिया से कॉन्ट्रैक्ट चले पानी के जहाज से रास्ते में मर गए। अब शायद शिपिंग का ये लॉ है जो जहां मर जाए उसी जगह उसको समंदर में डाल दो, अरशा है उसके नमाज जनाजा पढ़ दो जो चाहो करो, फिर उसके बाद डाल दो इंटरनेशनल लॉ, ये नहीं है कि शिप में डेड बॉडी लेके चलो। उम्र वही लोग के साथ समुंदर में डाल दिया गया, हिंद महासागर में चले गए, इंडियन ओशियन के अंदर गए। अब ये तो मैंने देखा एक जाल है इंडियन ओशियन में, फिर ये किसी ने नहीं देखा, किसी ने उनके साथ क्या सबूत किया, समंदर में तो बहुत कुछ होता है, तो कहा वहीं की मिट्टी थी, पहुंची वहीं पे खा जहां का खमीर। सारी जिंदगी इस्लाम इस्लाम करते रहे, इलाज के लिए अमेरिका गए, वहीं मर गए, वहीं दफन हो गए। ओहो बंदा रहता कहीं और था, मगर इसके खमीर की मिट्टी अमेरिकन थी, पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। कम टू दी पॉइंट, गुंबदे खजरा के नीचे जो मिट्टी है जन्नत से अफजल, जन्नत से अफजल, ग्रेटर देन पैराडाइज,
گنبد خضرا کے نیچے عقیدہ نمبر دو, میرے نبی کریم کے جسم مبارک سے مٹی کا جو ذرہ ٹچ ہوگا وہ سوئل پارٹ آف دی سوئل, وہ ذرہ عرش الہی سے. گنبد خضرا میں دو قسم دو ساتھ ہے, ایک تو گنبد خضرا کے نیچے وہ مٹی جو نبی کے جسم کو ٹچ کر جائے چھو جائے وہ عرش الہی سے, اور بقیہ جنت سے. تو گنبد خضرا کے نیچے کی مٹی جنت سے اتر ہے. صدیق اکبر وہی ہیں, فاروق اعظم وہی ہیں, گنبد خضرا کے نیچے دفن کیے گئے اور ان کی مٹی گنبد خضرا کی مٹی جنت سے افضل ہے. تو ابو بکر جس سے بڑھے وہ جنت سے افضل, فاروق اعظم جس سے بڑھے وہ جنت سے افضل. ہمیں جب خمیر کا یہ عالم ہے تو ضمیر کا عالم کیا ہوگا؟ افضل صحابہ بنا رہے ہیں کہہ سکتے ہو,
the greatest Sahabi or holy prophet that just human are, you can say, you are right. But in fact, Siddiq Akbar, ek aadmi ka naam nahi tha, sharat mustaqim ka naam. Siddiq Akbar, kisi ek ummati ka sirf naam nahi hai, sharat mustaqim ka naam hai. To aaj agar koi puche tumse ki jalse mein gaye the wo jalsa kaisa tha, to keh dena jashn e sharat mustaqim tha. اللہ نے اپنے پیغام کو بھیجنے کے لیے نبی صدیقین 14 سال ہی، یہی تو ترتیب ہے. قرآن میں پہلے نبیین، پھر صدیقین، پھر 14 سال ہی. کیا پتا چلا نبی سے نیکسٹ جو کلاس ہے وہ صدیق کا ہے، کسی شہید کا نہیں. ہر شہید سارا کو بھی، ہر شہید ہمارے دل کی دنیا کا بادشاہ، ہر شہید ہماری جواب پر چھایا ہوا ہے. بٹ کوئی شہید صدیق، وہ اگر صدیق بھی ہے اور شہید بھی ہے تو صدیقین میں ہے. شہید بھی ہے اور صدیق بھی ہے، صرف نبی نہیں ہوگا نا. صدیق ہے شہید بھی ہو سکتا، شہید صدیق ہو سکتا ہے، صدیق ولی بھی ہو سکتا ہے، ولی صدیق. لیکن صدیق کا درجہ نبوت کے بعد، جب یہ جان لیا کہ قرآن میں نبیین کے بعد صدیقین کہا ہے، تو جب صحابہ کا ذکر کرو تو نبی کے بعد صدیقی کو سب کچھ سمجھو. بڑے پیار سے میں آپ کو سمجھا، اور آپ کو یہ بڑا بڑھیا لگ رہا ہوگا نا، علی مرتضیٰ کی اولاد صدیق اکبر کی تعریف کرنا. اس سے اندازہ لگائیے کہ مولا علی کلوس کتنے سے صدیق کے اولاد بھی صدیق اکبر سے کلوس. اب آپ دیکھیں نبی کے بعد جو خلیفہ بنا وہ کون ہے؟ صدیق. کیونکہ نبی جی ان کے بعد جو ذات ہے وہ کون سی ہے؟ صدیق. انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین، نبی کے بعد صدیق اور صدیق کے بعد شہید، شہید کے بعد صالح. اب آپ خلافت ایک نظر، نبی کے بعد صدیق ایک نظر، ان کے بعد جو آیا فاروق اعظم شہید، عثمان غنی شہید، علی ابو طلحہ شہید، وہ شہداء. امام حسن قتل نہیں ہوئے، ان کی گردن نہیں کٹی، وہ صالحین میں ہے. موت زہر سے ہوئی ہے، یہ ایک الگ درجہ. لیکن لمن یقتل فی سبیل اللہ، یہ صفت علی. پھر صالحین، امام حسن. آگے آئے ختم، آگے خلافت کے راستے دار ختم. نمبر 3، صدیق اکبر، پانی تا کا مسلمان غنی، علی ابو طلحہ، امام حسن مجتبی، خلافت کے راستے کا این آئے بھی این انم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. امام حسن سے خلافت پوری ہو. لوگ وہ کہتے یہ پہلے ہوتے تو کیا ہوتا، وہ پہلے ہوتے تو کیا ہوتا، حضرت علی پہلے ہو جاتے، امام یا حضرت عثمان پہلے ہوتے اور حضرت علی اس کے بعد ہو جاتے، پھر فاروق اعظم کو بنا دیا جاتا، لاسٹ میں صدیق اکبر بھی آ سکتے تھے، ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں کہتا رہے دیکھ بھائی، وہ اللہ تو عالم الغیب ہے اور تو بڑا صاحب عیب ہے. اللہ نے کوئی غائب ہے اور تیرے پاس غائب ہے، ابے اللہ سے زیادہ کوئی جانتا ہے؟ کون کب تک زندہ رہے گا اللہ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ اب اگر حضرت علی کو پہلا خلیفہ بنا دیا جاتا تو
तो ढाई साल के बाद सिद्दीक अकबर का विचार हो जाता, 10 साल के बाद फारूक आजम का हो जाता, उस्मान गनी का भी हो जाता, उसके बाद अली आखिर तक बचते। तो गुरु की लॉन्ग लाइफ थी, अल्लाह देख रहा है कि अली क्या बात है, 50 हिजरी से ज्यादा जी गई है। तो जिसको जितनी जल्दी जाना था खिलाफत उसको पहले दे दी गई। सबसे पहले सिद्दीक अकबर को जाना था, सिद्दीक अकबर को दे दिया, उसके बाद फारूक आजम को शहीद होना था उनको दे दिया, फिर उस्मान गनी को शहीद होना था उनको दे दिया, फिर अली मुर्तजा को शहीद होना था उनको दे दिया, ताकि रसूलुल्लाह के चारों नूरे नजर खिलाफत पर रहे जलवाकर, सिद्दीक भी खलीफा हो, फारूक भी खलीफा हो, उस्मान भी हो, अली भी हो, ये तभी मुमकिन था कि जिसकी उम्र कम है उसे पहले चांस दिया जाए कि ये मेरे रब की हिकमत है, हिकमत मान ले जलालत से बच जा। अब आइए, क्यों नबी के बाद सिद्दीक अकबर की जरूरत थी? ये होता है रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट्स होते हैं, उन रिक्वायरमेंट्स को कौन कब फुलफिल कर पाएगा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा हुआ फारूक आजम करवाने का, जिसने भी कहा कि मोहम्मद मर गए हैं गर्दन काट दी, अगर ये पहले खलीफा होते तो क्या होता? हिकमत ऐसा जलाली दिलेर बहादुर हुजूर के मिसाल के सदमे में हिल गया, और तुम्हें उसी वक्त सिद्दीक अकबर को देखा। रसूल की तदफीन हो, जल्दी हो, बदन को कब्र में जल्दी से जल्दी रखा जाए, नो, सिद्दीक अकबर कह रहे हैं सबसे पहले रसूल के मैसेज को बचाए, रसूल के दीन को पहले बचाओ, रसूल के मिशन को। रह गया रसूल की बॉडी, वो तो से हवा खा नहीं सकती, मट्टी खा नहीं सकती, मौसम बदल नहीं सकता, वो जिंदा थे जिंदा है, कहीं उम्मत मुर्दा ना हो जाए, वो तो जिंदा थे जिंदा है और जिंदा रहेंगे, कहीं ये मक्का मदीना वाले सहाबा है अंसार है मुहाजिरीन है इनमें कहीं कोई चंद लोग कहीं गलत फहमी में न पड़ जाए, इसलिए सकीफा पनिसागा में बैठ करके सबसे पहले रसूल पाक की खिलाफत तो इमामत तो सियादत तो कयादत का फैसला बचा लिया उम्मत रसूल, तो बनाने का काम नबी ने किया था, बचाने का काम सिद्दीक अकबर ने किया था, उम्मत बनाया रसूलुल्लाह ने और बचाया सिद्दीक अकबर ने। अब बचे हो तो सिद्दीक अकबर का एहसान मरते दम तक मानते रहो। मशवरे होने लगे, जकात से इनकार करने वालों ने कहा आप नबी नहीं है, छुट्टी मिली, नमाज पढ़ूंगा, रोजा रखूंगा, हज करूंगा, जकात नहीं, जकात में पैसा लगता। आज भी उन्हीं की नकल करते हैं लोग, नमाज पढ़ूंगा, रोजा रखूंगा, हज करूंगा, नियाज नहीं करूंगा, पैसा लगता। सेव योर मनी, उसमें हिस्सा नहीं डालूंगा, लंगर नहीं लगा। फिर आप भाई को लंगर करते, भाई आप राजे बंदे हैं, हम इन बेवकूफों को देखेंगे क्या जानते, वो अल्लाह तो खाने से बेनियाज है, खाता ही नहीं, खिलाता सबको, मोमिनों को खिलाता है, काफिरों को खिलाता है, मोदियों को खिलाता है, योगियों को खिलाता है, काफिरों को खिलाता है, फिरौनियों को खिलाता है, नमूदियों को खिलाता है, जो उसे मानते हैं उसको खिलाता है, तो अल्लाह का लंगर तो सबसे बड़ा है, अल्लाह का लंगर तो सबसे बड़ा, सबसे पहले उसको रोको, ए अल्लाह काफिरों को लंगर ना खिला,
पैसा खर्चे शुरू से चला रहा है सेम मनी, वो सरकार नहीं देंगे मनी बच जाएगी, लंगर नहीं करेंगे, निहार नहीं करेंगे, गहरी शरीर नहीं करेंगे, पैसा बचेगा। ओके बचा, देखना ये वहां तेरे को कौन बचा रहा है। सुननी बहुत होशियार है, पहला यहाँ करो यार, बहुत से आदम राजी रहेंगे, गरीब नवाज राजी रहे, दादा लाहौरी राजी रहे, सिद्दीक तीन शोला सादीन राजी रहे, इमाम हसन इमाम हुसैन राजी रहे, शोला करबला राजी रहे, तो वहाँ बड़े बड़ी कठिनाइयों में हम रहेंगे। तो अगर राजी तो उनकी रजा मुस्तफ़ा की रजा है, मुस्तफ़ा की रजा खुदा की राजी करने के लिए है या मुस्तफा जाने रहमत को राजी करने के लिए। अब आइए सहाबी कई हो वो बात बार जाएगी किसी दिन में सिलसिले को, यहां यही कहता हूं कि अब डिटेल में ना जाकर के शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे से क्लास, अल्लाह ताला ने क्लास बनाया, अपर क्लास वाले पर लोअर क्लास वालों को बोलने का राइट नहीं। अपर क्लास कौन सा? अंबिया, जमाते अंबिया, और लोअर क्लास क्या है? उनके सहारा, मूसा के साहबा, इब्राहिम के साहबा, ईसा के ऐसा बिल्कुल है। किसी साहबी को यह राइट नहीं कि नबी पर अंगी उठाए, बिल्कुल तो अपर क्लास है। अब तू प्राइमरी में है और जॉन पीट्स पर अंगी उठाएगा? जॉन पीट्स लिटरेचर के अपर क्लास है। कोई फतवा हम नहीं देंगे अगर कोई नबी का अमल हमारी समझ में नहीं आया, ये क्यों किया नबी ने, क्यों ये हुफा दिया आदम ने, क्यों वो बछड़े की पूजा होने लगी, अभी चक्कर में नहीं पड़ेंगे। हम देखेंगे नबी नबी नबी, कोई नबी को तमाचा मारे दाढ़ी पकड़ के खींच ले तो क्या है वो कुफर है ना? नबी की इंसान नबी की दाढ़ी पकड़ना, नबी को तमाचा मार देना, बचेगा कोई? लेकिन हजरत मूसा ने ऐसा किया उनको अतीदा यही है कि नबी का तमाचा मारने वाला ईमान वाला नहीं होगा। किसी ने कहा ये तो हजरत मूसा कर चुके हैं, तो तमाम चुके नो कमेंट, क्योंकि हमारा क्लास लोअर है। कोई सहाबी नबी के अमल पर उंगली नहीं उठाएगा, उठाएगा नबी के अमल। अब दूसरा क्लास है सहाबा जमाते साहब, अब तीसरा क्लास है उम्मते रसूल असहाबे रसूल, फिर दूसरा है तीसरा नीचे सबसे नीचे उम्मते उम्मते रसूल को हक नहीं कि जमाते साहबा पर उंगली उठाए। जैसे सहाबी नबी के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता, वैसे सुन्नी किसी सहाबी के खिलाफ नहीं बोल सकता। वजह क्या है? नबी को बनाया अल्लाह ने और सहाबा बनाया रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, न हम अल्लाह के चुने हुए को चुनौती देंगे न रसूलुल्लाह को बनाएंगे। क्या बात, इसीलिए कहते हैं बी लवरा फैले, इसीलिए कहा है अहल बैत जो है कसीय नजा का सफीनत है क्या? सहाबी जो है अमल से नहीं बनता, नबी अमल से नहीं बनता। चाहे कितना अच्छा अमल हो, जब तक अल्लाह नबी नहीं बनाएगा नहीं बनोगे। और अब तो दरवाजा बंद है, लेकिन जब दरवाजा खुला था नबी आते थे, अमल से नहीं बनते थे, अल्लाह के बनाने से। सहाबी भी अमल से नहीं बनता, नबी के बनाने से बनता।
اب جب نبی عمل سے نہیں منع ہے تو نبی کے عمل پر انگلی کیسے اٹھاؤ گے؟ جب صحابی عمل سے نہیں منع ہے دیدار مصطفیٰ سے بنا ہے، فیضان نظر سے بنا ہے، رسول پاک کے بنانے سے بنا ہے. یہی کہ جب حضرت امیر معاویہ کا مسئلہ سامنے آیا تو کیا کیا حسنین کے نبی؟ آؤ حسن لو حسین سے ریشن لو، ڈونٹ سی رائٹ ڈونٹ سی لیفٹ. حدیثیں بنا دے، ہسٹری بنا دے. البغیر نہیں یہ ہے کہ قاضی نسان میں یہ ہے، تاریخ تبری میں یہ ہے، یہ کیا ممبر پر وہ کیا، ایسا ہوا ویسا ہوا. یہ کہاں سے بول رہا ہے؟ تیری نالے امام حضرت سے کم ہے یا زیادہ ہے؟ حدیثوں سے ہم جانتے ہیں. یہ حدیثیں تیرے کو ملی کب؟ امام حسن کے بعد ملی، امام حسین کے بعد ملی، جب امام بخاری آئے تب ملی، امام ترمذی آئے تب ملی، بیہقی آئے تب ملی، امام احمد بن حنبل آئے تب ملی، امام مالک آئے تب ملی. 250-300 سال کے بعد، 200 سال کے بعد ملی. وہ بنیاد نے کو بولا امام حسن الزاد کا، جسے حدیث پڑھی نہیں حدیث دیکھا ہے. گود میں نبی کے کانوں پہ، نبی کے چبائے ہوئے لخنوں سے نبی کا نور بن کے آیا. اس سے زیادہ مولوی صاحب مفتی صاحب آپ کی نالج ہے؟ امام حسن سے زیادہ آپ کی قابلیت ہے؟ امام حسین سے بڑھ کے ہو؟ کتابوں کا سہارا لیتے ہو جس میں راویوں پر ڈیپینڈ کرتی ہو؟ کیسی سند ہے، کیسے راوی ہے، کہنے والے کون ہیں، اس جھنجھٹ میں امت کو ڈالتے ہو؟ ہمیں سیدھے سیدھے امام حسن کے قدموں میں ڈالو، امام حسین کے قدموں میں ڈالو. اور اس آخری جملے پر بات ختم کرتا ہوں. میں بنا کے خود اور اب میرے سارے سنی ساری جماعت، قادری ہو، چشتی ہو، سہروردی ہو، نقشبندی ہو، سارے کے سارے، حنبلی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو یا حنفی ہو، سب کے سب اس عقیدے میں، سب امام حسن کے بولا، سب امام حسین کے بولا. تم کتاب دیکھو ہم حسن کا چہرہ دیکھو، تم تاریخ کی کتابیں دیکھو ہم امام حسن کا فیصلہ دیکھو. اسی لیے ہاشمی نے کہا تھا، پھر کہتا ہوں کہ ہم حسنی ہیں، ہم حسینی ہیں، پکے سنی ہیں. امام حسن نے جس سے صلح کیا ہے ہم اس سے جنگ نہیں کریں گے، امام حسین نے جس سے جنگ کیا ہے ہم صلح نہیں کریں گے.